पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आजमगढ़ के महंत बजरंग मुनि उदासी ने एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया है। बजरंग मुनि उदासी ने बयान में कहा है कि अब तक राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया, लेकिन राम मंदिर में सभी अपना सहयोग करें तो मंदिर बन सकता है। महंत बजरंग मुनि उदासी ने विवादित बयान में कहा है कि अब राम मंदिर लाशों की सीढ़ियों पर चढ़कर बनेगा, यदि 2,500 हिंदू इकट्ठा हो जाएं तो राम मंदिर तुरंत बन जाएगा। मैं जैसा कि आपने पूछा कि राम मंदिर पे आपका क्या विचार है, तो राम मंदिर बनाने के लिए आज तक जितने भी मार्ग थे वो मार्ग अपनाए जा चुके हैं, या जितने भी सौहार्द के मार्ग थे उसको अपनाया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई इसका परिणाम नहीं मिला। राम मंदिर अगर सच में हिंदुओं को बनाना है तो हिंदुओं को एकत्रित होकर शस्त्र को उठाना पड़ेगा, एवं राम मंदिर के बीच में जितने भी अवरोधक तत्व आ रहे हैं उनकी लाशों की सीढ़ियां बनाते हुए अयोध्या पहुंचना पड़ेगा, तभी राम मंदिर का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये तो हिंदुओं का पागलपन है कि वो बताते हैं कि ये पार्टी बनाएगी वो पार्टी बनाएगी। ये राजनेता लोग राम मंदिर को एक मुद्दा बना दिए हैं, जबकि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर हर सनातन धर्मियों का आस्था का केंद्र है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं सभी हिंदू भाइयों से या विनम्र निवेदन करूंगा कि वो आज ही शस्त्र को उठा ले और लाशों का ढेर बनाते हुए, लाशों की सीढ़ियां बनाते हुए अयोध्या पहुंच जाए। राम मंदिर 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। जय श्री राम।